ये हकीकत है। देखा तुमने, जारा ने तो आते ही घर पे कब्जा कर लिया है। नंदों और देवरों को ना अहमद थोड़ा स्टबन है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। एक खाक बुरा नहीं है, एक ही रात में हमारी बच्ची की मुंह से मुस्कुराहट छीन ली उसने। फूफा जान नाश्ता लग चुका है और सारे गेस्ट भी आ गए हैं, तो प्लीज आप लोग भी आ जाइए। आ गए वो जी? चलो भाई। अच्छा वैसे आपसे बड़ा गिला है मुझे, दुबई को इतनी दूर तो नहीं था ना कि आप आ भी नहीं सकते। हाँ चलो खैर, मैं आ रहा हूँ जी दुबई, ग्रैंड रिसेप्शन देना मैंने पुत्र की शादी के चक्कर में। हाँ जी लेके आऊँगा अहमद को, आपकी शिपमेंट भिजवा दी है मैंने, पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अब्बा जी मुझे एक बात बताएं कि क्या जरूरत थी स्टाफ को दावत देने की? शादी वलीमे में सारे थे तो सही। स्टाफ को खुश रखना चाहिए, हम स्टाफ को खुश रखेंगे तो स्टाफ हमें खुश रखेगा। और बात सुन, कल मैंने सारे स्टाफ को लंच पे दावत दी है, तूने सभा को लेके आना। सभा का दफ्तर से क्या वास्ता? वो सभा मालकन है इस दफ्तर की। जी मुझे ये सब पसंद नहीं, एक वो पढ़ी लिखी है, दूसरा आप उसको मालकन बना रहे हैं, उसका दिमाग तो सातवें आसमान पे चढ़ जाएगा। बाजी क्या कर रहे हैं आप? बेटा बीबी को एतमाद में लेना बड़ा जरूरी होता है, समझा कि नहीं? तू उसे एतमाद देगा ना तो जिंदगी तुझे एतमाद देगी। बल्कि माँ जी ने तो मुझे कहा है कि मैं एक एक्स्ट्रा बोनस का ऐलान करूं स्टाफ के लिए। चलो उसका सर्कुलर अभी इशू हो गया जाएगा, तो जरा साइन करके ना अकाउंट्स में भिजवा देना, और वापसी पे फैक्ट्री का एक चक्कर लगा लेना। जी अंदर से कहीं गाड़ी निकाल देना, चाह देना दफ्तर से फारिग होके अपने सौरे घर भी चले जाना। आपने क्या ही शाम को गए नहीं? ठीक है मैं चला हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कीड़े कमने लग गए। प्यारी लगती हो। सलाम करो सब। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो सब लोग। किस तरह का हुलिया बनाया है बेटा? अभी एक दिन की शादी हुई है तुम्हारी, कोई सेवर नहीं, ना कानों में, ना गले में, ना हाथों में। किस तरह तुम उसको तैयार करके लाई हो? एक दिन की दुल्हन नहीं है, इस तरह होता है आपके घर में? क्या हो? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सबा मेरे साथ हो। अम्मी नाश्ता? नाश्ता बहुत सारे लोग हैं वो लगा लेंगे, तो मेरी बात सुनो। अरे क्या बात है, अंडे बॉईल करने में कोई टेक्निक आने भी बताइए। चलो बैठो ना। नहीं बैठिए बैठिए। आ रही है।
पराठे इधर पराठे इधर पे नोना पराठे इधर दे ये ले इधर आओ इधर। क्या शादी के बाद तुमने मेरा दिल दुखाने का ठेका ले लिया है? क्या हो गया आपको? जारा को देखा है तुमने, कितनी सजी संवरी रहती है। और अपने आप को देखा है आनिया में, क्या तुमने हुलिया बना रखा है? मम्मी, शादी से पहले भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी, तब तो आपको एतराज नहीं होता था। शादी से पहले तुम ऐसी नहीं थी, तुम्हें कपड़े पहनने का शौक था, मेकअप करने का शौक था। तुम्हारी फैशन सेंस को क्या हो गया है? क्या बुराई है इन कपड़ों में? आप भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं और तुम्हारी शादी का आज दूसरा दिन है। अम्मी, अगर आप इसी तरह से कुर्ती रहीं तो अपना घर भी खराब कर लेंगी। जारा इसलिए तैयार रहती है क्योंकि उसे पसंद है, और मुझे ये सब पसंद नहीं है। तैयार इसलिए होती है कि फैसल रोशन ख्याल है, और तुम इस हुलिये में इसलिए रहती हो कि तुम्हारे शौहर को पसंद है। अपनी बीवियों को बुरके और चादरों में रखते हैं और बहनों को नमाश के लिए छोड़ देते हैं। सारा और राबिया को देखा था तुमने? सारा तो बस। अम्मी प्लीज, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अहमद और उसके घर वालों को बुरा भला कहें। आपको पता है मैंने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है, आपका फेवरेट हलवा भी है, चलें खाते हैं। तुमने अभी से किचन भी संभाल लिया? ये परवीन बेगम को जरा सा लिहाज नहीं आया? मैं मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैंने अपनी पसंद से नाश्ता बनाया। चलें उठें, उठें, आ जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। अंदर हमाद भाई ने अंताक्षरी शुरू की हुई है, बहुत शोर शराबा था, दिल घबराने लगा मेरा। इतने दिन हो गए ना नाश्ते करते हुए। जी हाँ। आपकी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, ठंड में ठंडे पसीने आ रहे हैं। अंदर चले ना, हल्ले गुल्ले में दिल बहल जाएगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए ना प्लीज, सब लोग आपको मिस कर रहे होंगे। हमें किसने मिस करना है जी, हम तो हैं ही मिस बेट। वैसे शादी में बड़ा एंजॉय किया मैंने, पट्टा सट्टा बुरी रस्म है पर है मजेदार। जी हाँ, वैसे भी ये रवैये होते हैं जो रस्म और रिश्तों को बरकरार रखते हैं। वैसे बड़ी अच्छी और गहरी बातें करती हैं आप। मेरा पूछे ना, मुझे तो पट्टा सट्टा पसंद ही नहीं है। मैंने तो अब्बा जी से कह देना है, मैंने नहीं करनी पट्टे सट्टे की शादी। क्या फायदा जी ऐसी शादी का जिससे दूसरों में मुसीबत आ जाए। मैंने मैंने ठीक कहा है ना जी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अगर आप माइंड ना करें तो मैं कॉल करूँ? हाँ जी सॉरी, आपने जरूरी फोन करना होगा, मैंने आपको बातों में लगा लिया। आप करें करें, फोन करें जी। बच्चों ने तो ना ऊपर कमरे में बड़ा ही शुगर लगाया हुआ है, किसी को होश ही नहीं है कि घर भी वापस जाना है। अच्छा आप ये बताएं, आप बता रही थी कि सारा का रिश्ता आप अली से तय कर रही हैं, तो बात आगे बढ़ी? हाँ जी, बात तो बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ गई है, और अब जो भाई फैज है ना, जाते जाते इसको और पक्का करके जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है। अरे हाय, आप क्यों शुक्र अदा कर रही हैं? बेटियां जिसकी भी हो, बोझ तो होती हैं, जिम्मेदारी होती है, जितनी जल्दी हो जाए अपने घर की हो जाए तो अच्छा होता है। सलाम। आपने आना था तो कम से कम फोन कर दिया होता। एक्चुअली शादी का घर है ना, मसरूफियात कुछ ज्यादा है। बैठिए। ये मिठाई किस लिए?
आपा जी वैसे आप बहुत ही बोल रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं, देखे ना नाहिद आपा ने अपने बेटे का रिश्ता पक्का तय कर दिया होगा, तभी मिठाई लाई है ना, क्योंकि बच्चों की बात जब पक्की हो जाती है ना तभी मिठाई लाते होते हैं। नहीं, मैंने बेटे का रिश्ता तय नहीं किया, तय करने आई। क्या मतलब है आपका? सब कुछ जानते बूझते भी आप अनजान बन रही हैं। मैं अपने बेटे अदनान का रिश्ता नेहा से। क्या कह रही हैं आप? कुछ होश भी है आपको? हे नाहिद बेगम, मैं बहुत दिनों से आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, अपने बच्चों की शादी में आपकी बिन बुलाए शिरकत। नहीं, मैं बिन बुलाए नहीं आई हूँ, मुझे नेहा और सबा ने। बच्चों ने अगर आपको कह भी दिया था तो आप तो बड़ी हैं, उम्र रसीदा हैं, अकल है आप में, आपको ये होश नहीं है कि किसी की शादी पर बिन बुलाए नहीं जाया जाता? आपने ऐसा सोच कैसे लिया? आपने अपनी और अपनी बेटी की औकात नहीं देखी? रंगों के सहारे जिंदगी गुजारी जा सकती है? मेरा बेटा एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो नेहा को खुश रखेगा। जो आपकी जबान पर मेरी बेटी का नाम आया, एक बेटी को मैं करोड़पतियों में ब्याह दूं और दूसरी बेटी को फकीरों में, ऐसा नहीं कर सकती मैं। अरे ये आपने बात की अकल वाली, देखे ना आपा जी, आपका बेटा हमारी बेटी को बड़ा क्या खिलाएगा, रंग और ब्रश? और क्या, ब्रश में रंग लगा लगा कर खिलाएगा उसको, सुबह को हरा, दोपहर को पीला और रात को लाल। चलो खाओ ये बासी मिठाई और जाओ यहाँ से, चलो खाओ, चलो। हाँ चलिए शमसा बेगम, मुझे इस तरह जलील मत करें, मैं बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ, कोई गाली तो नहीं दी मैंने आपके मुंह से? हमारे बेटे का नाम ही गाली है। तो क्या आप हमारे खानदान को नहीं जानती, इसीलिए आप अपनी औकात भूल गई हैं? अगर जानती होती तो यहाँ जलील होने यूं ना आती। आप प्लीज यहाँ से जाइए, जाइए और अपने निकम्मे बेटे से कह दीजिएगा कि उसके दिल में अगर मेरी बेटी का ख्याल भी आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलिए यहाँ से। शमसा बेगम जाइए, नाम लिया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आप हमें जानती नहीं है। करती हूँ, पहले अपनी हैसियत तो देखनी थी, आगे मुंह उठा के फकीर फैमिली ना हो तो जाओ यहाँ से। चलो हिलती नहीं अपनी जगह से। देखा ना मैं कितनी ताबेदार हूँ आप लोगों की, रिश्तेदारियाँ तो इसी तरह निभाई जाती है ना। पता नहीं कहाँ से अरे गैरे नीले पीले लोग आ जाते हैं इस घर में रिश्ता करने के लिए। है कि कह रही है पढ़ पूछ ली गई दफा चले आए, मिठाई तो गोल के देखे ना तुम्हें है क्या है। अम्मी, आंटी, अम्मी, आंटी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी प्लीज कुछ तो बोले। अम्मी वैसे शमसा ने बहुत ही बुरा किया, अच्छी खासी भली माना सौरत को जलील करके रख दिया, गुस्सा उस गरीब पे निकाल दिया। पहल तो आप ही ने की थी ना। बात है फरी, जहाँ हमें पता चलता है कि पसंद की शादी हो रही है तो हमारे तन बदन में आग लग जाती है। अरे शादी की रस्मों में हमने खुद देख लिया था कि उस लड़की अदनान और नेहा के दरमियान कुछ ना कुछ चक्कर था। अरे आखिर आप मोहब्बत से इतनी नफरत करती क्यों हैं? अरे आग लगाओ इस मोहब्बत को, उम्र भर का रोग जो सीने पे लगा कर बैठ जाती है ना, निकलने का नाम नहीं लेती। खैर छोड़ो, तुम भी तो बड़बड़ के बातें कर रही थी। तो बोल रही थी, मगर मैं तो शमसा की हिमायत में बोल रही थी ना, मगर वो जुलेखा उसने तो हद ही कर दी गंवारपन की, ऐसे मुहावरे लगा लगा कर कोस रही थी। देखो फरी, अभी भी मौका है, अपनी लड़कियों को समझाओ कि अय्याज हम आपको अपने काबू में करें। पापा मैं क्या करूं, आजकल की औलादें कहां सुनती हैं, और फिर मेरी बेटियां तो हैं ही इतनी भोली भाली, वो ये सब तौर तरीके कहां जानती हैं। अब आप वाला दौर तो है नहीं के घूंघट की ओट से आंखें चार हो जाएं। छोड़ो, हम देख के आते हैं कि शमसा क्या कर रही है। आपा हैं बड़ी छुपी रुस्तम, मोहब्बत की दुश्मन।
हाय कैसी खुशियां, सबा की हालत देखकर ना दिल मुट्ठी में आ गया। सबसा क्या हाल बना दिया है जालिमों ने, अभी से सबा का क्या बनेगा? बनेगा, जारा को देखें कैसे खिली खिली है और सबा जैसे मुरझा सी गई है। आप प्लीज अब अंसारी से बिल्कुल जिक्र मत कीजिएगा कि अदनान की माँ यहाँ पर आई थी, वो तो वैसे ही अच्छे अखलाक और दोस्ती पर पिघल जाते हैं। अरे मैं क्यों जिक्र करने लगी, अच्छा हुआ दफान किया, हर अरे गरे को यही घर मिल गया है। तुमने अपने दोस्त से बात की? कहाँ की, आज करनी थी ना, फिर वो मनुष्य औरत जो टपक पड़ी मेरे सर पर। जितनी जल्दी हो सके नेहा और हमाद की किसी पढ़े लिखे खानदान में बात कर लो। नेहा तो रो दो के बैठ गई है, अगर हमाद ने बगावत कर दी तो हमारी शिकस्त हो जाएगी। क्या करूं आपा मैं, मुझे तो एक आंख सारा नहीं भाती और उतनी ही सारा हमाद के हवासों पे सवार नजर आती है मुझे। अगर जुलेखा ने जाकर सारी बात बता दी तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी, और जुलेखा की गज भर की जबान है। सबा को भी तो पता चले कि उसकी बहन का चक्कर चल रहा है, वो तो शुक्र करें कि शादी के हंगामे में कोई तूफान नहीं खड़ा हो गया, अगर किसी को पता चल जाता तो एक हंगामा हो जाता। मैं जुलेखा से फोन पर बात करूंगी, आप शाम की तैयारी करें, जोड़े वगैरह निकालें, खैरियत से वलीमा निमट जाए तो फिर सोचती हूँ। फूफी जान, मैं तो नेहा को बुलाने गई थी, मुझे तो खुद नहीं पता। तोबा तोबा, कैसे मुंह फाड़ फाड़ के कह रही थी कि नेहा ने खुद कहा है अपने माँ पियो से कि जाके मेरा रिश्ता मांगे। ऐसी ट्रेनिंग करते हैं बेटियों की भला? नहीं नहीं, वो लड़का इतना बुरा नहीं है मम्मी, तो बस वैसे ही। भूपी जान आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज घर में किसी से जिक्र मत कीजिएगा। बेटा मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं ऐसी बातें करती फिरूंगी? मेरी अपनी बेटियां नहीं है भला? बस मुझे तो राबिया की फिक्र लगी रहती है हर वक्त। बात सुनो, तूने वो अयाज और हमाद के लिए कोई लड़की देख ली है? जी वो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी जी फूफी जान साथ ही हैं मेरे, ये लीजिए बात कीजिए। सलाम अलैकुम मैं बहन जी। जी ठीक हूँ, आप भी ठीक है? नहीं आप फिक्र ना करें, मैंने नहीं, मैंने ना मैंने कुछ देखा ना मैंने कुछ सुना, मुझको क्या पता। और मेरी भी अपनी भी दखल बेटियां हैं ना, और नेहा तो बिल्कुल मेरी राबिया जैसी है ना। चलो छोड़े आप मेरी बातों को, आप ना शाम वलीमे के फंक्शन पे आ रही है ना? हाँ बस ठीक है, मुलाकात होगी है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़। थैंक यू फूफी जान। अरे हरे शुक्रिया, खैर फिर तूने मुझे गैर ही बना दिया। सुनो ऐसे नहीं करते होते हैं। अच्छा सुन, अपनी अम्मी से ज़रूर कहना कि राबिया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखे हैं, भूल ना बिल्कुल, मैं बता दूँ तुझे। पहन लो। स्लीवलेस? मैंने कभी नहीं पहना, मैं इसे कैसे पहनूंगी? बहुत सूट करेगा तुम्हें, प्लीज एक बार मेरी खातिर पहन लो। घर पे अम्मी हैं, अब्बू हैं, हमाद और अयाज भी हैं, उन सबके सामने अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हमारे सर में अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? और आप फिक्र मत करें, आपकी मर्जी के बगैर मैं भी तो नहीं चाहती, मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी, मुझे क्या पता था कि मेरी शादी अहमद से हो जाएगी, ये तो मेरे नसीब में लिखा है ना।